ओके, अगला सवाल। एक सबसे अंडररेटेड शास्त्र। गीता जी डेफिनेटली, मतलब वो एक मैजिकल बुक है, डेफिनेटली मैजिकल बुक है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था उसको पढ़ना, पहली दूसरी बार आपको नहीं समझ आएगा ज़्यादा, आपको ऐसा लगे, और समझ नहीं आने का मतलब मीनिंग आएगा पर आपको लगेगा कि ये नॉर्मल लाइफ में तो मायने नहीं रखता, या मैं तो अलग लाइफ जी रहा हूँ, या आजकल तो बहुत मॉडर्न लाइफ हो चुकी है, ये तो बहुत ओल्ड वर्जन है, या आजकल लड़ाइयाँ कहाँ होती है, ये तो युद्ध के ऊपर बात हो रही है। फर्स्ट सेकेंड टाइम टाइम लगता है थोड़ा, इसलिए ज़रूरी है कि बार बार पढ़ना, या आपको सबसे पहले बोला जाता है कि आप एक ही श्लोक पढ़िए, एक ही मीनिंग पढ़िए, पर रोज़ एक पढ़िए, मतलब गीता जी पढ़ने के बाद भी आपको वापस से पढ़नी ज़रूरी है। तो मेरे साथ है कि मैं आज अगर मेरे पास जो गीता है, मैं जो पढ़ती हूँ, अगर कोई उसको लेकर, हर श्लोक के पास बहुत से इमोशंस लिखे हैं,